everyone, welcome back to Astha Science Club. So guys, in this video we are going to study about the structure and the function of RNA. So let's move towards our video. So RNA ka full form to aap sabko pata hi hoga. It is ribonucleic acid. ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करने. तो स्ट्रक्चर में ये डीएनए के सिमिलर होता है, बट बेसिस में ये डीएनए से डिफरेंट होता है. ठीक है, जो हमारे डीएनए होता है उसमें कौन कौन से बेसिस होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन. बट हमारा जो आरएनए होता है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. थायमिन और यूरेसिल में यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है. डीएनए में थायमिन होता है एंड हमारे आरएनए में यूरेसिल होता है. फिर अगर आरएनए की पोजीशन की बात करें तो सेल में आरएनए कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में एंड न्यूक्लियस में. सेल में आरएनए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों जगह प्रेजेंट होता है. ठीक है, वैसे तो जनरली क्या होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है. ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट वायरसेस ऐसे हैं जिसमें आरएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है. ठीक है, कैसा डबल स्ट्रैंडेड? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है बट आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. बट कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस हैं जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, जैसे कि रिबोवायरस एंड वुंड ट्यूमर वायरस. सो अब बारी आती है आरएनए के फंक्शंस की. तो आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए हेल्प करता है. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस होते हैं जिसमें आरएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. बस समझ में आ रही है ना? कुछ ऐसे जेनेटिक मटेरियल होते हैं कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस होते हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. ठीक, एक्चुअली में रियलिटी यही है कि जो वायरसेस होते हैं उसमें भी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है. बट कुछ प्लांट वायरसेस ऐसे हैं, एक्सेप्शनल केसेस में कुछ प्लांट वायरसेस या कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो मटेरियल ट्रांसफ़र करना होता है वो आरएनए की हेल्प के थ्रू करते हैं या आरएनए के थ्रू करवाते हैं. जैसे कि हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी वायरस, ये भी इसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है. और जैसे कि हमारा हो गया बैक्टीरियोफेज, इसमें भी आरएनए होता है. और साथ में आप लोगों ने एक सुना होगा एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो कि एड्स कॉज करता है, उसमें भी जो हमारा जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र करने वाला जो चीज़ है, ऑर्गेनल है, वो हमारा आरएनए है. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोगों ने आरएनए का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ लिया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के टाइप्स. ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर.